नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है रवा इडली विदाउट इनो एंड बेकिंग सोडा। देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। एक बड़ा कटोरी हमने सूजी ली हुई है, जिसे ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है मैंने, और एक कटोरी हमने दही लिया हुआ है, और स्वादानुसार नमक डालेंगे, और एक छोटा चम्मच चीनी है, और घोल बनाने के लिए पानी। और चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं भुने चने लिए हुए हैं, दो हरी मिर्च है, एक छोटा कटोरी सूखा नारियल है जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है, एक छोटा कटोरी दही है, और हरे धनिया है जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और चटनी को तड़का लगाने के लिए मीठी नीम की पत्ती है, हींग है, राई है, और साबुत लाल मिर्च है, और रिफाइंड ऑयल है जिसे हम चटनी को तड़का लगाएंगे। शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम रवा इडली का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। अब ये भुनी हुई सूजी हम डाल देंगे इसमें, और दही डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे लगभग 1 से 2 छोटा चम्मच, और इसमें चीनी डालेंगे। चीनी से फर्मेंटेशन जल्दी होता है। और पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि सूजी फूलती है तो हमको देखना पड़ेगा कि पानी की कितनी आवश्यकता है। देखिए ये बैटर अभी गाढ़ा है ये सूजी का, तो हमको इसमें पानी और डालना पड़ेगा। फिर मिक्स करेंगे हम, और घोल थोड़ा पतला रखेंगे अभी, क्योंकि सूजी फूलेगी तो गाढ़ी हो जाएगा ये बैटर। इडली का बैटर हमने तैयार कर लिया है, देखिए ना ये ज़्यादा पतला है और ना गाढ़ा, इस तरह से हमें रखना है इसको। और फिर हम इसे ढक के रख देंगे लगभग 4 से 5 घंटों के लिए। अगर ठंड का मौसम है तो हमको 4 से 5 घंटे लगेंगे इसको खमीर उठने के लिए, और गर्मी के मौसम में 2 से 3 घंटे में ही अगर दही चीनी नमक हम डालते हैं तो फर्मेंटेशन जल्दी हो जाता है। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे। देखिए मैंने आज सुबह बनानी थी इडली, तो ये रात को बना के रखा था इसका बैटर इडली का। देखिए बहुत ही अच्छा बन गया ये बैटर, ये देखिए अच्छा सा फर्मेंटेशन हुआ है इसमें बिना बेकिंग सोडा और इनो के। अब हम इसकी इडली तैयार करेंगे। देखिए इडली बनाने का बर्तन हमने गैस पर रख दिया है, और इसमें 2 से 3 इंच हमने पानी डाल दिया है। जब तक ये अच्छी तरह से गर्म होता है हम इडली के सांचों में बैटर डाल देते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लगाएंगे थोड़ा, जिससे इडली आसानी से निकल जाए, चिपके नहीं। इसमें बैटर डालेंगे, देखिए इडली के बर्तन में हम ये इसके सांचे में हम ये घोल डाल देंगे, और जितना इसका साइज है उसके थोड़ा अंदर तक भरेंगे, ताकि जो फूलेगी तो उसके अंदर तक आ जाए इडली। देखिए इडली के सांचों में हमने बैटर डाल दिया है। अब हम इसको रख देंगे इडली के बर्तन में, पानी गर्म हो चुका है, दूसरा भी रख देंगे, और इसे ढक देंगे। 20 मिनट में इडली बनके तैयार हो जाएगी। फुल आंच पे हम इसे रखेंगे। जब तक हमारी इडली तैयार होती है, हम भुने चने की चटनी पीस लेते हैं इडली के लिए। सबसे पहले हम ये मिक्सर जार लेंगे, उसमें ये भुने चने डाल देंगे, और ये सूखे हुए नारियल के टुकड़े डाल देंगे, और इसे पीसेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा पीस गया है ये, हमने इसको बिना पानी के ही पीसा है, इसमें पानी दही कुछ नहीं डाला अभी, तो आसानी से पीस गया है, क्योंकि नारियल सूखा था और चने भी सूखे थे, तो बहुत ही अच्छे से बॉर्डर बन चुका है। अब हम इसमें दही डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे, स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं जितनी मिर्च तीखी हो उसके हिसाब से, और हरा धनिया डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे,
और थोड़ा पानी डाल देंगे। अब इसे पीस लेंगे। देखिए भुने चने की इडली की चटनी तैयार हो चुकी है। देखिए बहुत ही अच्छी बनी है ये। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। इडली की भुने चने की चटनी हमने बाउल में निकाल ली है। अब हम इसे तड़का लगा देंगे। तड़के के लिए हमने पैन गैस पर रख दिया, ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें राई डालेंगे और हींग जो है हम इस चटनी में डालेंगे। और इसमें हम मीठी नीम की पत्ती डाल देंगे और साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। बहुत ही अच्छा तड़का लग गया है। इसको हम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे हम। भुने चने की इडली की चटनी तैयार हो चुकी है और लगभग 20 मिनट भी हो चुके हैं। हम देख लेते हैं इडली को। बहुत ही अच्छी इडली बनी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। चिपक के नहीं आया है, मतलब इडली बन चुकी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस ऑफ कर देते हैं। अब हम इडली के सांचे बाहर निकाल लेते हैं। और इडली को निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी इडली तैयार हुई है। आसानी से निकल गई है ये, चिपकी भी नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट इडली बनके तैयार हुई है। ये देखिए कितनी स्पंजी इडली बनी है। सूजी रवा इडली बनके तैयार है खाने के लिए, जिसे हमने भुने चने की चटनी के साथ सर्व किया है। और आज का नाश्ता तैयार हो चुका है। और ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, क्योंकि हमने इसको बिना सोडे के और इनो का भी यूज़ नहीं किया है। तो ये बहुत ही हेल्दी इडली है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि सूजी रवा इडली आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।